हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन लेक्चर। कल अपने बेटा एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका हमें फिगर दे रखा है, बाकी अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो क्या बोला गया देखो, एक्सरसाइज हमारी 9.1 चल ही रही है, आपको पता है। और क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी का टावर है बेटा, वो क्या है, कोई कैनल, एक नहर है, बैंक उसका किनारा हो गया, उसके किनारे पे लगाया गया है। ठीक है बेटा, एक नहर होगी और उसके एक साइड में जो किनारा है उसके ऊपर एक टीवी का टावर लगा दिया। From a point on the another bank directly opposite to the tower. अब जो दूसरी डायरेक्शन है, आपको पता है नहर की एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, जो दूसरी डायरेक्शन है वहां पे एक पॉइंट है। The angle of elevation of top of the tower is 60 degree. उस पॉइंट से क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ऊनियन कोण है उस टॉप ऑफ टावर का ऊपर तक का 60 डिग्री है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. कहता है अब इस point से 20 meter दूर एक और point है, उसी line के अंदर है, जो tower का foot है, जो tower की जमीनी है, जमीन है, वहाँ से 20 meter दूर एक और point है, वहाँ से उस tower का top का जो elevation angle है, वो 30 degree है। तो find the height of tower एंड विड्थ ऑफ कैनल पे, साथ में तो आपको टावर की हाइट निकाल के लानी है और उस कैनल नहर की चौड़ाई निकाल के लानी है। तो वैसे तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया, बाकी एक बार हिंदी में और स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर होता है बेटा बिल्कुल सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार को बेस पॉइंट से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है। तो देखो बेटा, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इसने क्या क्वेश्चन बताया है। ये मान लो नहर की चौड़ाई, ऐसे हमारी नहर जा रही है ऐसे, ठीक बेटा। इस किनारे पे टावर खड़ा है, ठीक बेटा। ये एक साइड का किनारा हो गया नहर और ये दूसरी साइड का हो गया। इससे जो इसका जो ऊनियन कोण है, जो एलिवेशन है, वो 60 डिग्री है। ये आपको पता जमीन हो गया 60 डिग्री। अब कहता है इसी पॉइंट पे, मतलब यहां से 20 मीटर दूर, मतलब यहां से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। यहां से जो ऊनियन कोण है, जो एलिवेशन है, वो 30 डिग्री हो जाता है। ओके बेटा, तो हमारा काम है एक तो ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना और एक इसको ज्ञात करना हाइट। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ टावर। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए। स्टेटमेंट अच्छे से समझ आने के बाद आपको फिगर बनाना होता है और फिगर में क्या दे रखा और क्या निकालना है हमें उस बात का पता होना चाहिए। तो हमें जो भी चीज दे रखी है सामने, हमें ये निकालना है और ये निकालना है, तो हम इसको लेट कर देते हैं। जो BC है उसको X मान लिया, तो आपका जो DB है वो 20 प्लस X हो गया, ये 20 प्लस X। अब एक बार आप ये मान के चलिए कि ये आपके पास है और आप ये इस AB को निकालने लग जाइए, चाहे ABC में आओ चाहे पूरी बड़ी ट्रेंगल ABD में आओ, आपको AB निकाल के लाना है। तो इन ट्रेंगल ABC, कौन सी ट्रेंगल में आए आप, ABC में। तो ABC में ये हमने अभी x माना है, तो ये निकालना चाहते हैं AB, है आपके पास क्या BC, तो ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब बोला जाता है, ये हो गया बेस जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है। तो ये होता है tan और tan कितना बेटा 60 डिग्री। तो AB तो निकालना चाहते हैं, BC क्या है x है, tan 60 की वैल्यू वर्गमूल थी, तो AB आ गया आपका, ये इसके मल्टी में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। इसी तरह बड़ी ट्रायंगल एबीडी में आओ, ठीक बेटा,
तो वही बात ए बी निकालना चाहते हो, यहाँ भी है आपके पास क्या डी बी, तो ये भी टेन ही बनेगा, पर टेन कितना 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। तो ए बी तो निकालना चाहते हैं, डी बी 20 + x हो गया और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो ए बी बराबर आ गया 1/√3 × 20 + x, तो ए बी बराबर आ गया 20 + x/√3, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास ए बी की वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कुछ नहीं करना, ये ए बी की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या वैल्यू ए बी की, √3x बराबर 20 + x/√3 बटे में 1 लगाया क्रॉस मल्टी, तो इसकी 1 से गुणा करोगे 20 + x ही आ जाएगा बेटा, इसकी इससे मल्टी करोगे √3 की, √3 से 3 हो गया और x हो गया, x एक साइड कर लो, 20 पड़ा है, 3x प्लस का x इधर आके माइनस का, 3x में से x गया 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो ये इससे 10 पे कट गया, x बराबर क्या आ गया 10, तो ये x आपका BC आ गया, मतलब नहर की चौड़ाई आ गई बेटा, ठीक है बेटा, width of canal, width of कैनल हिंदी में क्या लिखोगे, नहर की चौड़ाई, ठीक है बेटा, जो कि आपका बीसी है वो आ गया है 10 मीटर। इसी तरह हमें हाइट ऑफ टावर भी निकाल के लानी है, इस टावर की ऊंचाई भी निकाल के लानी है, वो ए बी है वो यहां रख दो, अपने आप ही आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर √3x कीजिए 10, तो ए बी बराबर क्या आ गया बेटा 10√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये लो 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें दो चीजें आपको निकालनी थी, उम्मीद करूंगा दोनों आपको समझ भी आई है और आपने दोनों निकाली भी है, तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़ता हूं बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है बेटा, उसके ऊपर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हम इस टावर की हाइट निकाल के लानी, दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक तो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, एक तो ये समझ आया, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक टावर दिखाई, नाम सुनाई दे रहा है, तो मैं एक टावर बना लेता हूँ, ये जमीन हो गई। ओके बेटा, तो इतना तो पता ही बेटा कि जो टावर होता है वो ऊंचा होता है, बिल्डिंग है वो नीचे होती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर की जो हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से, तो ये इसका टॉप हो गया, द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, दोबारा से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब केबल टावर के जो ऊपर का एंगल है यहां से ये जो, मतलब इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल है और वो भी एलिवेशन के साथ, कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और जो डेप्रेशन है, मतलब डेप्रेशन ऊपर से नीचे, मतलब यहां से इसके तो ऊपर का जो एंगल है टॉप का वो तो एलिवेशन है, और यहां से इसका जो डेप्रेशन का एंगल है वो आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो इस टावर की हाइट आपको निकाल के लानी है, तो मैं ये हिंदी में और पढ़ता हूं बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन था, इसका ये शिखर हो गया है,
से केबल टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। तो ये 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया, ये केबल टावर हो गया, दोनों के शिखर से मतलब इसके शिखर से इसके शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है, ठीक है जी। और इसके बेस का अवनमन कोण मतलब ये तो था शिखर का, ये इसका आधार का अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों में सेम ही बात थी, तो हमें इस टावर की ऊंचाई निकाल के लानी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, आपको बता एंगल किसी चीज के साथ बनता है, कि मैंने इसको मिला लिया, नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो आपको मेनली ये निकाल के लाना है। एक बार देखो, आपने ये लाइन बिल्कुल सीधी खींची बेटा, तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, ठीक है। गिवन है आपको, दिया है आपको, क्या दिया है कि ईडी जो है वो 7 मीटर है। देन तब बीसीबी कितना होगा बेटा 7 मीटर होगा, ओके। अब आप देखो, आप ऐसा करो, इस ट्रेंगल में आ जाओ, ईडीसी आपके पास एक साइड है, एक एंगल है, आप ये निकालो। आपको पता है कि ये और ये बराबर है, क्योंकि ये अगर मान लो कोई फर्श है तो ये उसका छत है, तो छत तो फर्श तो बराबर ही होता है, तो ये जितना आएगा उतना ही आएगा। उस ये आने के बाद आप इस ट्रायंगल में आएंगे और इसको और इस एंगल को यूज करके ये निकाल लेंगे। शायद आपको ये चीज कम समझ आई है, मैं करके दिखाता हूँ। तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में है बेटा, ईडीसी। क्या निकालना चाहते हो आप, डीसी है आपके पास क्या, ईडी। बेटा ये क्या हो गया, बेस, इस ट्रेंगल का ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओके बेटा। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कोट, कोट कितना 45 डिग्री, ओके बेटा। ये आपका आ गया डी सी अपॉन ई डी, आपको 7 दे रखा है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये DC की वैल्यू आपकी निकल गई बेटा 7। ये भी आपका कितना आ गया, 7 आ गया, ओके बेटा। इस ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। देन तब EB भी क्या होगा, 7। अब आप इस ट्रेंगल में आ जाओ, इन ट्रेंगल ABE, तो ये 7 है, ये एंगल है, इसको निकालना है। क्या निकालना चाहते हो, AB है आपके पास क्या, ई बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये 10 हो गया, 10 कितना 60 डिग्री। तो ए बी तो निकालना चाहते हो, ई बी 7 है, 10 60 की वैल्यू वर्गमूल थी, तो ए बी बराबर आ गया, मल्टी में जाएगा 7 रूट। तो आपको निकाल के लानी है हाइट ऑफ टावर, ठीक बेटा, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर आपका क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी अभी निकाला है 7 रूट 3, बी सी कितना है 7, तो 7 कॉमन है, √3 प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। टोटल हाइट ऑफ टावर जो है वो ये आ गई, टावर की ऊंचाई, ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था जो कि आपके सामने है। तो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल में समुद्र के अंदर बेटा एक 75 मीटर ऊंची कोई लाइट हाउस मतलब लाइट लगी हुई है, और वहां से ऑब्जर्व किया गया मतलब वहां से देखा गया, ठीक है बेटा, क्या देखा गया, द एंगल ऑफ डेथ रेशियो मतलब ऊपर से एंगल बनेंगे ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब दो जहाजे हैं, एक का कोण 30 डिग्री बन रहा है और एक का 45 डिग्री बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस,
मतलब एक शिप अगर दूसरी शिप के ठीक पीछे है और लाइट हाउस के ये एक साइड है से किसी साइड हो, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसी तरह अगर हिंदी में पढ़ें, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही बेटा अपने हिंदी और इंग्लिश में सेम है। दोबारा बताता हूँ, ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और ये पानी है, समुन्दर के ऊपर ये लगा हुआ है। इसमें क्या यहाँ लाइटें लगी हुई है, इससे मतलब देखा जाता है समुन्दर में, मतलब लाइट लगाई जाती है ताकि कोई भी चीज का पता चले, और ये 75 मीटर ऊंचा है। इसके एक ही ओर दो जहाजे हैं, तो जहाजे तो आपको क्या पानी के ऊपर ही होगी, मान लेते हैं एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों को ऊपर से ऐसे देखा जा रहा है, तो एक का एंगल 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री है। तो आप देखो बिल्कुल अगर अपन नीचे आ जाएंगे, देखो यहां से अगर बिल्कुल यहां देखें बिल्कुल सीध में तो 90 डिग्री होगा, तो मतलब जितना इसके नजदीक आएंगे उतना एंगल बड़ा होगा। तो ये ज्यादा नजदीक है तो ये 45 डिग्री हो गया और ये सारा 30 डिग्री। ओके बेटा, तो ये एंगल सारा 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। ABC आप इसको नाम दे देते हैं D। अब हमें क्या निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक यहाँ एक यहाँ, CD निकाल के लाना है। देखो बेटा सबसे पहले आप ट्रेंगल ABD में आते हैं, ठीक बेटा, आप BD निकाल लेते हैं, है हमारे पास क्या AB, तो ये क्या हो गया बेटा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा कोट, कोट कौन सी ट्रेंगल में आए, बड़ी में आए तो 30 डिग्री। ये BD अपन निकालना चाहते हैं, AB अपना है 75, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, तो ये आपका BD बन गया 75 √3। ओके, सारा 75 √3 हो गया। इसमें से BC माइनस कर देंगे तो BC और निकाल लेते हैं। नाउ अब कौन सी ट्रेंगल में आते हैं बेटा, पाइन ट्रेंगल ABC में आए तो क्या BC निकाल ले, है आपके पास क्या AB, तो ये भी तो कोट ही बनेगा, कोट कितना 45 डिग्री। BC निकालना चाहते हो, AB 75 है बेटा, कोट 45 1 हो गया, तो BC बराबर 75 है, 75 ठीक बेटा। तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ टू शिप, दो जहाजों के बीच की दूरी, ओके बेटा। तो BD में से अगर BC माइनस कर दूंगा मैं यही आएगा, BD है 75 √3 माइनस BC कितना बेटा 75, 75 आया कॉमन तो क्या बचेगा √3 माइनस। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। ओके इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर आपने 6 किया था बिल्कुल बेटा लगभग लगभग उसी के जैसा है, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 14 ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, फिगर भी उसका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका फिगर भी दे रखा है, तो ये थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको ये अपने आप करने के लिए दिया है। और फिर भी बेटा अगर ये ना आपसे हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन में आपको अपने आप करने के लिए दिया है 14। 15 में है एक स्ट्रेट हाईवे बेटा लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, मतलब वो कहां से टावर के किसी फुट से गया है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन इज 30 डिग्री। एक आदमी क्या है बेटा खड़ा है कहां पे, टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर खड़ा है, और वो क्या एक कार को देख रहा है और उससे जो उसका एंगल है वो 30 डिग्री बनता है।
विच इज अप्रोचेज द फुट ऑफ टावर विद इन यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या है टावर की ओर आ रही है कार अपने नॉर्मल स्पीड से जो भी उसकी स्पीड है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब पहले तो 30 डिग्री बन रहा था, 6 सेकंड बाद वो एंगल 60 के बजाय 30 डिग्री बनने लग गया है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। तो कहता है उस पॉइंट से जो कार टावर के फुट तक आने का जो टाइम लगेगा वो बताइए क्या है। तो मैं एक बार हिंदी में और पढ़ देता हूँ बेटा क्या है। देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के बेस तक जाता है, एक सीधा रास्ता है वो कोई मीनार है ऐसे बिल्डिंग है उसके ऐसे बेस में आता है मिलता है उसमें। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण के साथ देखता है। यहाँ एक आदमी बैठा है और यहाँ मान लो एक कार आ रही है वो इसको देख रहा है, तो वो जो एंगल है कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री के कोण के साथ देख रहा है। आगे बोला मीनार के बेस की ओर एक समान से चल रही है। अब वो क्या है यहां से मीनार का जो आधार है इधर आ रही है कार और एक नॉर्मल स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का उन्मन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लो यहां से 6 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई, अब जो ये कोण है वो 60 डिग्री होने लग गया। ओके बेटा टाइम कितना लगा 6 सेकंड। तो हमें इस बिंदु से मीनार के बेस तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय, तो मतलब अब आप ये बताइए कि ये यहां से यहां आने में कितना टाइम लगे। बेटा इसी तरह का तो क्वेश्चन अपने भी किया है, सारे में से सारा निकाल के नहीं ये निकालना है, सारे में से क्या माइनस करें, ये अपने पास 6 ही है। तो देखो मैं आपको करवाता हूँ ये कैसे हो। इसको मान लो आप x है, लेट माना जो BD है वो x, तो BC जो आपका है वो x प्लस 6 बन गया और x वो टाइम है। अब क्यों आप सारा ये टाइम में चल रहा है x सेकंड, ठीक बेटा सेकंड है। तो सबसे पहले अपन ट्रेंगल ABC में आते हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि अपने पास ये है और अपन ये निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना चाहते हैं, AB है आपके पास क्या BC, तो परपेंडिकुलर कोण क्या बन गया बेस, ये हो गया 10, बड़ी ट्रेंगल में एंगल कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री। तो AB तो निकालना चाहते हैं, BC क्या हो गया बेटा x प्लस 6 हो गया और 10 30 की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से अपना AB निकल गया 1/√3 इंटू एक्स प्लस 6, तो AB बराबर आ गया x प्लस 6/√3 इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इन ट्रेंगल आप कौन सी में आ जाए बेटा ABD में आए। अब भी क्या निकालना चाहते हैं, AB है क्या आपके पास BD, अब भी 10 ही बनेगा, 10 कितना 60 डिग्री। तो AB निकालना चाहते हैं, BD क्या है x, 10 60√3 हो गया, तो AB बराबर आ गया √3 इक्वेशन नंबर 2। तो ये AB की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक और 2 को सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो x प्लस 6 बाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 एक्स, तो कोण में 1 और क्रॉस मल्टी, तो इसकी 1 से मल्टी x प्लस 6 ही आ गया, इसकी इससे मल्टी रूट 3 की रूट 3 से 3x हो गया। तो वही x एक साइड कर लेते हैं, 6 बचा 3x माइनस x हो गया, तो 2x बराबर 6 बचा, तो x बराबर 6 बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा बेटा इसको यहां से यहां आने में, यही हमें निकालना था। ओके बेटा, तो आज जो आपको रिटर्न करने वाला वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है और ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 14 क्वेश्चन मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है, कल क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, रही बात 14 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, अगर बेटा आपसे ना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये हुआ रिटर्न करने वाला वर्क, अब रही बात रिवाइज करने वाला वर्क, तो रिवाइज करने वाला वर्क बेटा 7वां चैप्टर अपना पूरा हो गया है। 7वां चैप्टर पूरा होने के बाद अपन चैप्टर कौन से को रिवाइज करें, 8वें को ही कर लेते हैं क्योंकि 8वां हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किल भी लगा हो। तो ऐसा करते हैं, आज जो रिवाइज करना है आपको वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और ये आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी क्योंकि आपने अभी इसको किया था, और साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे तो अगर अपने को फार्मूले याद करने और टेबल याद करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो शायद वो भी सॉल्व हो जाए। तो आज जो आपको रिवाइज करना है
वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा वर्क दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए कि साथ साथ होता रहे। तो तीन क्वेश्चन बेटा रिवाइज करने, बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ओके बेटा कर लोगे? तो रिवीजन करने का वर्क दे दिया, रिटर्न करने का वर्क भी आपको दे दिया है, और ये बेटा वर्क करते रहिए। ओके थैंक यू।